और सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रत्नाकर चतुर्वेदी शुभा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सतना से गणेश सिंह को बनाया गया है प्रत्याशी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी शुभा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। और बता दें कि सतना से गणेश सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रत्नाकर चतुर्वेदी शुभा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बता दें कि सतना से गणेश सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सतना में बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, जहां पर बीजेपी को सतना में बड़ा झटका लगा है। रत्नाकर चतुर्वेदी शुभा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ये तस्वीरें देखिए, उनके इस्तीफे की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ में बात करने के लिए रत्नाकर चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपसे सीधा यही जानना चाहूंगा कि आप लंबे समय से सतना विधानसभा से बीजेपी की ओर से टिकट की मांग कर रहे थे, बीजेपी ने क्या आपको टिकट नहीं दी, इसी से आपने इस्तीफा दे दिया है या कुछ और वजह है? रत्नाकर जी, नहीं, देना एक अलग विषय है जी। और लगातार बीजेपी कई समय से कहती आ रही है कि हम महिलाओं को भी आरक्षण देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि बीजेपी अपने हेलो जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी, बीजेपी जो कहती है जस्ट का उल्टा करती है जी। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी किसी विकास पुरुष को सतना से टिकट दी होती तो हम निश्चित रूप से उसका साथ देते। बीजेपी ने हमारे यहाँ के सांसद जी को टिकट दिया है जो 20 साल से सांसद हैं जी, और वो 20 नादे सतना लोकसभा के अंदर जो उन्होंने किया हो, तो ऐसी पार्टी में अपन कब तक जुड़े रहेंगे जो हमारे सतना को लगातार पीछे ले जाती हो जी। मेन कारण यही है कि अगर कहीं कोई टिकट कट गई अलग बात है, बहुत उम्र पड़ी है आगे टिकट मिल जाती जी, लेकिन जो निर्णय हुआ वो सही नहीं हुआ। हमारे यहाँ 20 साल से सांसद जी सांसद हैं, लेकिन वो 5 काम भी नहीं गिना सकते कि उन्होंने 20 साल में क्या काम किया सतना लोकसभा के लिए जी जी। तो क्या आप बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, आगे की आपकी रणनीति क्या है? बहुजन समाज पार्टी की कल सदस्यता लेंगे जी, और फिर जैसा आगे बहुजन समाज पार्टी का निर्णय होगा उसी अनुसार कार्य करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने आपको उम्मीदवार के रूप में चुन लिया है, क्या बीएसपी आपको टिकट देगी? ऐसी कोई मैं अभी आपको पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कल खबरें तो यही चल रही है सर, सदस्यता लेनी है जी। लेकिन खबरें तो यही चल रही है कि बीएसपी ने आपको आश्वासन दिया है कि सतना से आपको टिकट दिया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा। कहा कि पहले आप सदस्यता लें, इसके बाद इसकी बात की जाएगी कि आपको टिकट दी जाएगी कि नहीं जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सतना से जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, और फिलहाल उन्होंने एमके न्यूज चैनल से कहा है कि अब वो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता हासिल करेंगे। कल वो बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता हासिल करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, और सतना से गणेश सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो बड़ी खबर ये सतना से हम आपको बता रहे थे, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और रत्नाकर चतुर्वेदी शुभा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।